नमस्कार फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि समुद्र से ऊर्जा कितने तरह की होती है। समुद्र से ऊर्जा बेसिकली तीन तरह की होती है। सबसे पहले टिडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी। अब हमको जो आज पढ़नी है, आज हम पढ़ेंगे टाइडल एनर्जी। समुद्र में तीन तरह की एनर्जी है। जब हम एक एक चीज़ एनर्जी को डिस्कस करेंगे तो हम उसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। आज हमको पढ़नी है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ये होता है बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी में बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जैसे इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कोई चुंबक होती है तो उसमें कोई चिपक जाती है। अगर चिपक जाती हैं तो उसी तरह से पानी भी क्या है, पृथ्वी से चिपका हुआ है। हम भी पृथ्वी से चिपके हुए हैं। अगर हमको भी चिपका दिया जाए तो हम भी यहाँ पर चिपके रहते हैं। तो सारे पानी को ही चिपकाए हुए हैं। लेकिन आप सभी को पता होगा सूरज है, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो सूरज का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जब सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो पानी हमारी पृथ्वी में कितना है, 71% पानी है। 29% क्या है, ज़मीन है। तो पानी क्या है, पानी एक ऐसी चीज़ है जो कहते हैं उस तरफ खिंचाव लेती है। तो खिंचाव लेती है तो थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा ज्वार आता है। तो क्या होता है, जब ज्वार आएगा तो पानी ऐसे यहाँ पे सिकड़ जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, बो जाता है। लेकिन सूरज का असर इतना ज़्यादा नहीं रहता है जितना ज़्यादा कहते हैं चांद का रहता है, क्योंकि चांद पास में है तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगता है। जब चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, चांद ऐसे पृथ्वी में घूम रहा है, लेकिन एक दिन में तो घूम नहीं जाता पूरा। इसको घूमने में कितने दिन लगते हैं, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 31 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो पहली बात बात करते हैं, जब चांद घूमता है तो चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो वो क्या करता है, अपनी तरफ पानी को अट्रैक्ट कर लेता है। जब पानी को जब अट्रैक्ट करता है तो उस दौरान पे क्या होता है कि पानी इस कॉर्नर में अपनी तरफ खिंचाव लेता है, और यहाँ पे क्या होता है, पानी सिकुड़ जाता है, क्योंकि उस तरफ खींचेगा तो पानी क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो इस पोर्शन को बोलते हैं लो टाइड या भाटा, इस पोर्शन को बोल देते हैं ज्वार या हाई टाइड। ठीक है, इसी तरह ये चांद एक कहते हैं पृथ्वी कहते हैं घूमती रहती है, तो हर 6 घंटे 13 मिनट में ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी कंटिन्यूस में ऐसे ऐसी घूम रही है, ऐसे ऐसी घूमती है तो ये पोजीशन चेंज हो जाती है। अब भाटा यहाँ पे है, कुछ देर में यहाँ पे आ जाएगा, पृथ्वी ऐसी घूम गई फिर यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से एक कंटिन्यूस में घूमती रहती है। तो ऐसे ऐसे हर 6 घंटे 13 मिनट में पृथ्वी घूम जाती है, तो यहाँ पे ज्वार भाटा आता रहता है। ठीक है, हर दिन में 2 बार आता है, 1 बार ज्वार 1 बार भाटा। ठीक है, और फिर ज्वार फिर भाटा। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे होते हैं तो 2 बार ज्वार आया 2 बार भाटा आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक या पोजीशन मैंने बनाई हुई है, ये मैंने बताया हुआ है कि अगर सूरज चांद और पृथ्वी साथ में आते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो क्या होता है कि जब सूरज और चांद दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो इस समय या तो पूर्णिमा होती है या क्या होता है, अमावस्या। तो इस दौरान पर ज्वार सबसे अधिक आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। सूरज का भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया और चांद का भी लगा, तो सबसे ज़्यादा कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो सबसे ज़्यादा कहते हैं पानी को अट्रैक्ट किया। तो इस दौरान सबसे ज़्यादा हाई ज्वार होता है और सबसे ज़्यादा भाटा होता है। वैसे ही कहते हैं नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे हो तो कहते हैं इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है तो नॉर्मल ज्वार आता है, फिर यहाँ पे सबसे कम ज्वार होता है। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यूस में मैंने बताया कि कैसे ज्वार आता है। इसी एनर्जी को हम, इसी सोर्स को यूज करके हम एनर्जी बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताते हैं। पहले आपको लिखना क्या है, आप चाहो तो मेरे साथ में नोट्स भी बना सकते हो। आप अब ये लिख सकते हैं कि टिडल एनर्जी में के ज्वार भाटा कितने समय में आता है और कैसे आता है। पृथ्वी चक्कर लगाती है तो सूरज और चांद के द्वारा चांद के द्वारा ज्वार भाटा कंटिन्यूस में आता है, जो कि हर 6 घंटे 13 मिनट बाद आता है, और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सबसे ज़्यादा ज्वार आता है। ठीक, इसके बारे में लिख सकते हैं। दूसरी बात आप लिख सकते हैं कि चंद्रमा के आकर्षण के कारण, ठीक है, समुद्र की सतह ऊपर या नीचे होती है। जो पानी है वो क्या होता है, पानी का वाटर लेवल क्या होता है, या तो अप हो जाता है या लो हो जाता है। तो इसी प्रकार की समुद्र की सतह पर तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब तरंगें वो वाली तरंगें नहीं जो वेव हवा के द्वारा पैदा होती हैं, वो तरंगें नहीं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा तरंगें पैदा होती हैं, उस तरंगे की बात हो रही जिसमें वाटर लेवल ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो समुद्र की सतह पर तरंगें उत्पन्न होती हो जाती हैं, यह तरंगें ज्वारी तरंगें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ज्वारी तरंगें। ठीक है, इन तरंगों के
ऊपर नीचे जाने में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा की बात कर रहे हैं, वह ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है जो ऊपर नीचे जाती है, वो जो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं हम ज्वरी ऊर्जा या टिडल एनर्जी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। वो जो हवा हवा से कहते हैं जो वेव बनती है समुद्र में, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, दूसरी बात, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र के पानी का ऊपर उठना उच्च ज्वार कहलाता है, उच्च ज्वार भाटा या ज्वार कहते हैं बेसिकली, जो उच्च ज्वार भाटा कह सकते हो या फिर ज्वार, बेसिकली ज्वार कहते हैं। ठीक है, जो लो होता है पानी इसको कहते हैं भाटा, उसको कहते हैं भाटा। तो इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, यह दिन में दो बार उत्पन्न होता है। ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं 6 घंटे 13 मिनट बाद आता है, हर 6 घंटे 13 मिनट में आती है ज्वार भाटा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस वे में ये घूमने के कारण से होता है। ठीक है, इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो या 2 मिनट आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अब आपने नोट कर लिया होगा, मान लिया नोट कर लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको वाइप कर देता हूँ, फिर बात करते हैं कैसे कहते हैं उत्पन्न होती है। तो अभी इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। समुद्र देखा हुआ, इसका इस्तेमाल हर जगह नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे समुद्र कहते हैं, जैसे कहते हैं नैरो या नुकीला समुद्र हो, जैसे ब्रिज छोटा है, छोटा सा, यहाँ से पानी पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ से पानी, समुद्र की लहरें आती हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब ज्वार आता है तो हम इस एनर्जी में यहाँ ब्रिज बना के यहाँ पे इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे हम एक डैम बना के और उसमें टरबाइन फिट करते हैं, क्योंकि ज्वार आता है तो बहुत हाई लेवल में आता है, तो टरबाइन घूमता है और फिर यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। हाँ, तो अभी हमने देखा कि लो टाइड हाई टाइड कैसे आता है और जो ज्वरी ऊर्जा है वो कैसे उत्पन्न होती है। तो अब मैंने बताया था कि इस सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये हर जगह बनना संभव नहीं होता है। ये बनता कहाँ पर है, जहाँ पर समुद्र का जो किनारा है, किनारा कैसा होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए या शार्प होना चाहिए थोड़ा सा। जैसा कि मैंने बताया कि क्या होता है कि समुद्र में जैसे कहते हैं वेव आती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वेव आती हैं, जो ज्वार आता है और जहाँ भाटा होता है, तो ज्वार भाटा कैसे होता है, ज्वार आता है तो हम ऐसा क्षेत्र चुनते हैं जहाँ पे कहते हैं क्षेत्र कैसा होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए। तो क्षेत्र नुकीला होता है, तो नुकीला होता है तो एकदम से जब वेव आती है तो प्रेशर के साथ आती है, बहुत तेज़ी से आती है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये नुकीला क्षेत्र है, यहाँ से सी का रीजन है, ओपनिंग रीजन है, तो यहाँ पे जब कहते हैं वेव आती है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है। हम यहाँ क्या करते हैं, डैम बना देते हैं, डैम के बाद इस साइड को रिजर्वर मतलब पानी को स्टोर करने के लिए, और यहाँ पे लगा देते हैं टरबाइन। तो जब वेव आती है बहुत रफ्तार में, तो कहते हैं यहाँ पे एकदम से पानी का लेवल बढ़ जाता है। जब पानी का लेवल बढ़ जाता है तो टरबाइन अपनी बहुत तेज़ी से घूमने लगता है, तो उस घूमने से वो कहते हैं करंट रहता है किसी जनरेटर से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। उसको सिस्टम कुछ इस तरह का है, जैसे ए दिया है, जैसे ए है। जब हाई कर जाता है तो पानी का कहते हैं लेवल बढ़ जाता है, लेवल बढ़ता है तो पानी कहते हैं इस तरह से होता है, इस तरफ को आता है तो बीच में हम टरबाइन लगा देते हैं। ये ब्रिज है, ब्रिज का टरबाइन कनेक्टर होता है जनरेटर से, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो बेसिकली क्या है, जो नैरो सेफ होते हैं, ये नैरो जगह होती है सी की, जो नुकीला क्षेत्र होता है वहाँ पे हम डैम बना देते हैं। ठीक है, तो उस डैम के ऊपर हम सारा सिस्टम ही लगा देते हैं, डैम में ही हम कनेक्ट कर देते हैं, थोड़ी सी ओपनिंग कर देते हैं और यहाँ पर, और ये पानी इधर से इधर जाता है। जब हाई टाइड होता है तो इधर आने से पानी कहते हैं, जब इस साइड को रिजर्वर में जाता है तो टरबाइन घूमता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और जब लो टाइड आता है मतलब, तो क्या होता है, जो रिजर्वर में पानी भरा रहता है उसको बाहर निकालते हैं, हम बाहर निकालते हैं तो भी टरबाइन घूमता है, तो इस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है इसी से। तो ये सिस्टम है, आप बना सकते हैं, आप कहते हैं जब एग्ज़ाम में लिखें तो इस तरह से आप बिल्कुल डिस्क्राइब करके बता सकते हैं, और डायग्राम का बना देंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जब ज्वार में पानी
रिजर्वायर में जाता है तो टरबाइन घूमता है, जब क्या कहते हैं पानी कहते हैं इसमें जाता है तो क्या है टरबाइन घूमता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और ये वाला डायग्राम वो है जब रिजर्वायर से पानी कहते हैं लो टाइड होता है तब जाता है तो टरबाइन घूमता है, तो दोनों कंडीशन में टरबाइन घूमता है और इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ऐसी क्रियाविधि मैंने बताई है, आप ये भी ले सकते हैं, जब ज्वार आता है तो पानी का लेवल बढ़ जाता है, इसे दाब के कारण टरबाइन घुमाते हुए पानी रिजर्वर में भर जाता है, पानी इधर से इधर आता है। और जब भाटा आता है तो रिजर्वर से पानी एक साथ तेज़ी से निकलता है बाहर की ओर, ठीक है, तो टरबाइन तेज़ी से घूमता है और सीधे जनरेटर से जुड़ा रहता है, क्या टरबाइन जुड़ा रहता है जिससे विद्युत पैदा होती है, ठीक है। पहली बात तो बता दें कि जैसे ज्वार आया जब रिजर्वर में तक तक पानी भरता है तब ज्वार रहता है, अब अगर फुल हो जाता है तो फिर उसको बंद कर देते ताकि पानी दोबारा वो ना हो, तो बंद करने के बाद जब लो टाइड होता है तो फिर कहते हैं खोल देते हैं तो फिर अपने आप पानी निकलता है तो टरबाइन घुमाता रहता है, टरबाइन जब घूमता है इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अब इसके कुछ लाभ भी हैं और कुछ नुकसान भी है। लाभ क्या है? लाभ ये है कि सबसे पहली बात तो लाभ तो ये है कि एक है हमेशा बिजली उत्पन्न करता ही रहेगा, क्योंकि क्या है लो टाइड हाई टाइड होना ही रहता है और वाटर का लेवल समुद्र में कभी कम नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये इको फ्रेंडली है, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट निकलता है, इसको कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ दो तीन कहते हैं इसके फायदे हैं। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन मतलब इसके हानि क्या है, हानि ये है सबसे पहली बात तो ऐसी प्लेसेस जो नैरो जोन हो सी का ओपनिंग, तो वैसी जगह हमें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, जो समुद्र का किनारा जो जो नुकीला हो तो ऐसा क्षेत्र सब जगह अवेलेबल नहीं है, जो जो हमारी जो भौगोलिक कंडीशन है उसके अनुसार बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम ये सेटअप लगा सकते हैं। दूसरी बात डैम बनाना, इस सिस्टम को डैम बना के फिट करना थोड़ा सा कॉस्टली होता है वन टाइम। तीसरा ये है कि इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी हमको नहीं मिलती है, क्योंकि क्या है 6 घंटे 13 मिनट में एक बार जो है वो लो टाइड हाई टाइड आता है, तो इसमें टाइम क्या है टाइम लगता है, जिस वजह से एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस वे में नहीं जनरेट हो पाती है। तो मैं अभी इसको पॉइंट कुछ लिख देता हूँ। इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो, मैं थोड़ा से पॉज करके आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद मैं लिमिटेशन लिखता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं कुछ लाभ और प्रॉफिट की बात कर रहा था, तो इसके कुछ प्रॉफिट भी है। देखो, इस ऊर्जा का उत्पादन बहुत सस्ता है, ऊर्जा तो बहुत सस्ते में उत्पन्न होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, यह सतत ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया, मतलब कंटिन्यूस वे में ऊर्जा उत्पन्न करते रहती है, क्योंकि लो टाइड हाई टाइड आता रहता है जाता रहता है आता रहता है, मतलब दिन में आपको चार दो बार लो होगा दो बार हाई होगा, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। और ये होने ही होना है जब तक धरती और पानी है, ठीक है, और चांद है पर, ठीक है। तो तीसरा क्या है, वातावरण के लिए कोई नुकसानदायक ऐसा बाई प्रोडक्ट निकलता नहीं है जिससे इतना नुकसानदायक हो, इसमें कोई वेस्टेज भी नहीं होता, क्योंकि वेव आती है और जा मतलब हाई टाइड होगा लो टाइड होगा इलेक्ट्रिसिटी फोर्स का पानी हाई राइज ये होता है, तो ये इसकी कोई कहते हैं नुकसानदायक वो नहीं है जो वातावरण के लिए नुकसानदायक हो, एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली है, मैं कहने का मतलब इको फ्रेंडली है, ठीक है। इसलिए अब बात करते हैं लिमिटेशन की, लिमिटेशन मतलब कुछ ऐसा है कुछ हानि कह सकते हैं, लिमिट है कुछ लिमिट है कि सबसे पहली बात तो ये ऐसी जगह बहुत कम है दुनिया में जिससे कहते हैं हम जो ज्वारी ऊर्जा है आप कहते हैं हाई टाइड पावर स्टेशन है यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। ये लिखा है जैसे आप लिख सकते हैं इसको, आप बुक में मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कहते हैं कॉपी में भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, और ज़्यादातर हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस वजह से, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में तो आपको बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे इसमें, लेकिन हिंदी ईपी बोर्ड वालों को और भी कहते हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा संभावना कम मिल पाती है कंटेंट लिखा हुआ, और जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं वो बहुत साल सब भी एक से नहीं होते हैं, कई लोगों को नहीं लिख पाते अपनी लैंग्वेज में, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक। दूसरी बात करते हैं
बहुत बड़ी मात्रा में इसमें विद्युत उत्पन्न होती है, क्योंकि कहते हैं लो टाइड आता है हाई टाइड आता है, तो पानी का ऊपर उठना और पानी का गिरना, तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत तेज़ी से देखो ये ड्राई होगा, ये जब कहते हैं वाटर लेवल ज़्यादा होता है तो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो घूमता है, तो धीरे धीरे नीचे जब लेवल पर आता है तो कम हो जाता है घूमना, तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तो भाई कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होती है। फिर जब कहते हैं भर जाता है, फिर जब खाली हो जाता है तो कहते हैं शरीर घूमता है, फिर जब नीचे वाटर लेवल कम हो जाता है फिर धीमा हो जाता है, तो और एक छः घंटे बहुत होता है, ठीक है, तो उतना समय में कहते हैं कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाती है, ठीक है। इसका सेटअप बनाना, पहले डैम बनाओ ये करो, इसका सेटअप बनाना बहुत महंगा है पहली बार, ठीक। तो ये कुछ कहते हैं इसके पर्पज़ और लिमिटेशन थी जो मैंने आपको बताई है इसके बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम इसको फिनिश करते हैं और आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेव एनर्जी कैसे पैदा होती है, कैसे उसकी सेटअप लगाते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, दो तरीके होते हैं उसके लिए, तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। नमस्कार।